आज मुंबई कस्टम जोन ने 2000 किलो से ज्यादा के नशीले पदार्थ नष्ट किए हैं। इनकी अमूलन मूल्य जो है करीब करीब 200 करोड़ से ऊपर का था और ये हमने पिछले 2 से 3 साल में सीज किए गए थे। ये जो आज का हमारा प्रोग्राम था वो पूरे भारत में किया गया कस्टम विभाग के द्वारा। कस्टम विभाग ने ये 14 सेंटर में ड्रग्स को डिस्ट्रॉय किया है। करीब करीब 50 मेट्रिक टन से ज्यादा की ड्रग्स डिस्ट्रॉय करी गई हैं और ये इस देश की प्रतिबद्धता को दिखाता है कि हम मिलकर नशे के खिलाफ इस युद्ध में जीतेंगे। आप लोगों ने देखा भी होगा पिछले कुछ दिनों में एयरपोर्ट, पोर्ट और कोरियर टर्मिनल्स पर DRI हो चाहे कस्टम की विभिन्न एजेंसियां हो, एक कटिबद्धता दिखाई है, एक जुनून दिखाया है ड्रग्स को सीज करने में। हम लोग हमारे पूरे स्क्वाड सब चाहे वो डॉग स्क्वाड हो चाहे हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हो, उन सबका ये प्रयास है कि हिंदुस्तान के अंदर जो भी ड्रग्स है वो करीब करीब शून्य कर दिया जाए। इन सब में इनमें आप हम लोगों को सबका सहयोग भी प्राप्त हो रहा है। आज डॉक्टर यूसुफ मर्चेंट जो हमारे जो हमारे इस प्रयास में हम लोगों को साथ देते रहे वो हमारे साथ भी हैं। हम लोग सारे लोगों से अपील करेंगे कि इस प्रयास में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। सर इस तरह की कार्रवाई आगे भी चलेगी? जी हाँ, जब तक कि हमारे स्टॉक जितने भी ड्रग सीजर है इस पे एक प्रोसीजर होता है तो हम लोगों को NDPS कोर्ट के पास जाकर उनसे परमिशन लेनी पड़ती है कि कुछ केसेस में NDPS कोर्ट यू भी कहता है कि हम आपके जो ड्रग्स हैं वो मजिस्ट्रेट के सामने डिस्ट्रॉय किए जाए। तो हर एक ड्रग को डिस्ट्रॉय करने में 3 से 6 महीना कम से कम लग जाता है सीजर के बाद। तो जो जो हमारे ड्रग्स सीज होते जाएंगे वो हमेशा समय समय पर हम लोग उसको डिस्ट्रॉय करते रहेंगे। Thank you.